तू चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, इस दुनिया में कोई तुझ पे विश्वास करे ना करे, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, तुझ पे विश्वास करेगी। नाराज हूं मैं तुझसे, तुझे क्या लगा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जानती हूँ कि लड़की की गृहस्थी में अमृत मंथन में उसके हिस्से में कभी जहर आते तो कभी अमृत, लेकिन क्यों तेरे हिस्से में हमेशा जहर ही आता? अमृत तेरे हिस्से में कब आएगा प्रज्ञा? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती ना, उसे परफेक्ट बनाना होता ही, आपने ही सिखाया ना हमें। क्या तू कब तक ये सब सहन करेगी? ये जगह, ये लोग तेरे लायक नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाने का मतलब बर्दाश्त करना होगा। चुपचाप यहाँ से चले जाने का मतलब होगा मुझ पर जो इल्जाम लगा है उसे सही साबित करना, जो मैं नहीं होने देना चाहती। जैसे आप मुझे ये सब सहते हुए नहीं देख सकती, मैं अपनी माँ के संस्कारों को हारते हुए नहीं देख सकती। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं गलत हो सकती हूँ, इस घर का हर एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन माँ की दी हुई सीख गलत नहीं हो सकती। उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसके संस्कार, उसकी परवरिश गलत नहीं हो सकती। और ये करने के लिए मुझे खुद को सही साबित करना होगा। माँ बुलबुल ने मुझसे कहा था कि मैं इस घर में जिस इज्जत के साथ आई थी, अगर मुझे ये घर छोड़कर भी जाना पड़े तो उसी इज्जत के साथ जाऊंगी। कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। जब तनु आई थी तो मैंने वहां घंटे खत्म होने से पहले ही खुद को सही साबित कर दिया। मैंने कहा था ना, बातें नहीं सबूत चाहिए। बातें नहीं सबूत है मेरे पास, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये सीधी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मिताली भाभी ने जानबूझ के बॉल बेयरिंग सीढ़ियों पर डाले थे ताकि मैं गिर जाऊं। और सुरेश मुझे सिर्फ एक दोस्त के नाते बचाने आया था जिसको इन्होंने उस MMS में कुछ और ही रंग दे दिया। फिर मैं बातें क्यों कर रही हूं? मैं आपको ये सीडी दिखा।
देखा आपने, मैं जो कह रही थी वो सही था और जो आप सोच रहे थे वो गलत। आपने ये भी देखा होगा कि मिताली भाभी के साथ कोई और भी था। कौन था, कोई घर का ही या वो बाहर से आया था, मैं नहीं जानती। लेकिन ये लोग ये क्यों कर रहे हैं या मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि सबसे दादी का जो हाल हुआ, मुझे नहीं पता कि ये सब देखकर आपको तसल्ली मिली है या नहीं, लेकिन मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली है कि मैंने हमारे रिश्ते को, दादी के भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दी। आपकी नजरों में उसको गिरने से बचा लिया। वो ये सीखना चाहिए क्योंकि आपके आसपास ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं नहीं, सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते, जो आपकी तकलीफ आपकी परेशानी बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन वो MMS देखकर आप पे क्या गुजरी मैं समझती हूँ, दादी की ये हालत देखकर आप पे क्या गुजरी मैं समझती हूँ। इसलिए मैंने, खैर अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि दादी की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती कभी। दादी जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, उनका बुरा कैसे कर सकती हूँ। दादी जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती हैं, उन्हें उन्हें तकलीफ देकर मैं एक दिन भी चैन से जी। मैंने हमेशा हमेशा आपकी खुशी ही चाहिए। आप हैं कि हमेशा मुझे तकलीफ देते रहते, ये भी नहीं सोचते कि मुझ पर क्या बीतती होगी। सब कुछ सह लेती हूँ लेकिन इतना बड़ा इल्जाम कैसे सहूंगी, खासकर तब जब आपको लेकर मेरी सोच बदल गई है, जब मैंने आपके अंदर की छिपी हुई अच्छाई को देख लिया, जब मेरे मन में आपके लिए इज्जत इतनी बढ़ गई, जब मैं आपको प्यार सो मच। तुमने मेरा इतना बड़ा बोझ कम कर दिया। तुम सही हो, सच्ची हो तुम। गलत मैं था जो मैंने तुम्हारे बारे में ये सब सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम गलती नहीं कर सकती, मेरी दादी की पसंद गलत नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा सिर्फ मेरा दिल सोच रहा था, मेरा दिमाग नहीं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो वीडियो था जिसे मैं देखकर भी। लेकिन तुमने सब ठीक कर दी। अब मेरी दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब तुम्हारे भरोसे की वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारा खुद पर भरोसा था और अब मेरा भी तुम पर भरोसा है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।